हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंदना आर्ट्स इंडिया। आज हम बनाएंगे एक बहुत ही खूबसूरत डेकोरेटिव प्लेट, जिसके लिए हमने दो आर्ट फॉर्म फ्यूज किए हैं, मिक्स किए हैं। सबसे पहला हमने पिचवई लिया है, जो कि राजस्थान का आर्ट फॉर्म है, और दूसरा है लिपन आर्ट, जो कि गुजरात का आर्ट फॉर्म है। और जो मटेरियल यूज किया है वो है पुरानी सी प्लेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने प्लेट पे बेस कोट किया है, मैंने जैसे अप्लाई किया है, ताकि हम उस पे अच्छे से ड्रॉ और पेंट कर सकें। प्लेट का सेंटर लेके हमें उस पे दो सर्कल्स ड्रॉ करने हैं, अलग अलग डायमीटर के, एक डिजाइन फॉर्म करने के लिए। सेंटर डिजाइन के लिए मैंने गाय का कटआउट ट्रेस किया है, जो कि पिचवई आर्ट फॉर्म का बहुत प्रोमिनेंट डिजाइन होता है। ट्रेसिंग के बाद अब हम क्ले वर्क करेंगे। तो सबसे पहले हम सर्कल्स का काम करेंगे, हम लिपन आर्ट पहले बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने क्ले रोल कर लिया है फेविकॉल की हेल्प से। अब मैं रोल्ड क्ले को सर्कल पे सेट करूंगी, उसको अच्छे से हल्के हाथ से चिपका देना है और एक्सेस हटा देना है। जॉइंट्स को हमें स्मूदन अप कर देना है। डॉटिंग टूल्स की हेल्प से मैं उस पर डिजाइन फॉर्म कर रही हूँ। आप टूथपिक भी यूज कर सकते हैं। प्लेट के एजेस पे भी मैं क्ले का काम करूंगी, ताकि वो एक फिनिश लुक दिखाई दे और उस पर भी एक टेक्सचर दूंगी। आप ये डिज़ाइन किसी भी पॉइंटेड चीज से दे सकते हैं, नाइफ से भी आप ये टेक्सचर दे सकते हैं। प्लेट पे मैंने यहाँ ट्रायंगल्स का डिज़ाइन बनाया है, ये आप स्टेंसिल्स काट के भी ट्रायंगल्स बना सकते हैं, और उस पर क्ले वर्क किया है। इस पर आप टेक्सचर भी देना चाहें तो दे सकते हैं, मैंने इसे प्लेन छोड़ा है। इन ट्रायंगल्स में जितने भी जॉइंट्स आ रहे हैं, उनको हमें पानी के हेल्प से स्मूदन अप करना है। हमें जॉइंट्स को दिखाना नहीं है, छुपा देना है। क्ले सूखने के बाद हम उस पे एक्रेलिक कलर से एक कोट कर देंगे। व्हाइट एक्रेलिक कलर से मैंने इस पे कोट किया है। अब हम अपना सेंटर डिजाइन पेंट करेंगे। तो गाय को मैं व्हाइट एक्रेलिक कलर से कर रही हूँ। एटलीस्ट टू कोट्स हमें देने ही पड़ेंगे। जो भी कलर हम इसमें अप्लाई करेंगे, हर कलर में हमें एटलीस्ट टू कोट देना होगा, जस्ट टू गिव इट अ वेरी फिनिश एंड फाइन लुक। कलर कॉम्बिनेशन आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्रिम्सन और डार्क ग्रीन यूज किया है। बैकग्राउंड में मैं अल्ट्रा मैरिन ब्लू कलर ले रही हूँ। अब ये कलर थोड़ा पतला होता है, तो हमें इसमें दो या तीन कोट लगेंगे। अब हम लिपन वाला पार्ट पेंट करना स्टार्ट करेंगे। लिपन में बहुत ही कंट्रास्ट कलर यूज होता है, ब्राइट एंड कंट्रास्ट कलर। तो मैं नियॉन ग्रीन के साथ क्रिम्सन और गोल्डन येलो ले रही हूँ। आप कोई भी कलर कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। गाय के डिटेलिंग के लिए ब्राउन कलर यूज किया है मैंने, और थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए ब्लैक एक्रेलिक कलर यूज किया है।
गाय का डेकोरेशन अब हम स्टार्ट करेंगे, तो उसके लिए हमने मेटालिक गोल्ड कलर लिया है, जिससे हम सारी आउटलाइन करेंगे, कपड़े की आउटलाइन, उसका डिजाइनिंग और काउ का जहाँ जहाँ भी ज्वेलरी वाला पार्ट है जो हमें पहनाना है, वो सब हम गोल्डन कलर से ही करेंगे। यहाँ पे मैंने फ्लैट बेस्ड मोती से इसका क्लोथ पीस डेकोरेट किया है। आप कुछ भी डेकोरेटिव आइटम यूज कर सकते हैं। छोटे छोटे क्रिस्टल से या कुंदन से इसका बॉर्डर मैंने बनाया है। आप मोती भी यूज कर सकते हैं इसमें। गले की ज्वेलरी के लिए मैंने ड्रॉप शेप कुंदन यूज किए हैं, व्हाइट कलर के। आप कोई भी कलर के यूज कर सकते हैं। कान के पास के लटकन के लिए मैंने छोटे छोटे कुंदन यूज किए हैं, गोल्डन कलर के ये कुंदन हैं। आप कोई भी कलर के कुंदन यूज कर सकते हैं। कुंदन से डिजाइन्स बहुत उठ के आते हैं, कलर से इतना सुंदर नहीं दिखता है जितना आप कुंदन या क्रिस्टल यूज करेंगे। अब सर के ऊपर का एक डिज़ाइन मैंने बनाया है। वैसे तो आप कितना भी डिज़ाइन ऐड करते जाइए, देयर इज़ नो लिमिट टू इट। आप जितना भी आप डिज़ाइन ऐड करेंगे वो उतना ही सुंदर दिखेगा। अब हम बॉर्डर्स पे डेकोरेट करना स्टार्ट करेंगे, तो वो लिपन का काम है, तो वहाँ पर मिरर्स का काम होगा। तो यहाँ पर 16 कट मिरर्स मैंने यूज किए हैं। आप प्लेन रेक्टेंगुलर मिरर या रॉम्बस शेप मिरर भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ड्रॉप शेप मिरर पीसेस लिए हैं और उसे एक फ्लावर का शेप बनाया है। नियॉन ग्रीन वाले पोर्शन में मैं राउंड मिरर्स यूज कर रही हूँ। लिपिन बेसिकली क्ले और मिरर वर्क होता है, तो जितना मिरर आप यूज करिएगा वो उतना अच्छा उठ के आएगा। प्लेट के इनर वाले पार्ट पे मैं एक इन्वर्टेड फ्लावर का पैटर्न बना रही हूँ, जिससे ये प्लेट जो कि थोड़ा खाली खाली दिख रहा था, ये अब पूरा कंप्लीट दिखेगा और इसको एक बहुत ही सुंदर लुक देगा।
प्लेट को अगर आपको हैंग करना है तो वो कैसे करना है वो मैं यहाँ बता देती हूँ। उसके लिए आपको मेटल का एक लूप तैयार करना होगा या कोई थ्रेड भी ले लीजिएगा तो काम चल जाएगा। फेविकॉल लगा के और मोल्डेड क्ले से ही आपको उसके ऊपर उसको फिक्स कर देना है। उसको एक दिन आप छोड़ दीजिएगा ड्राई होने के लिए और ये आपका हैंगिंग का लूप बन जाएगा। अपने आर्ट पीस को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए एक प्रोटेक्टिव कोट देना होगा हमें, तो यहाँ पे आप वार्निश कर दीजिए इसको, या फिर जैसे मैंने यहाँ मॉड पॉज यूज़ किया है आप मॉड पॉज भी यूज़ कर सकते हैं। हमें बस एक प्रोटेक्टिव लेयर देना होता है ताकि डस्ट और बाकी किसी चीज़ से वो ख़राब ना हो और आपका आर्ट पीस बचा रहे। इसे इवनली अपने प्लेट के हर कोने पे अप्लाई कीजिए ताकि एक अच्छी सी कोटिंग हो जाए और ये बचा रहे, प्रोटेक्टेड रहे। तो ये रेडी हो गया है हमारा सुंदर सा डेकोरेटिव प्लेट। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।